अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं रज़ा आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल अर्निंग थिंग्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त फ्रेंड्स हम लोग जो है वो कोई मार्केट कैप का एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम जो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, इसका ये ड्रॉप ऑन होंगे, उसको हम ज्वाइन करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे आपने सवालों के जवाब देने, क्वेश्चन को आंसर करना है, जो कि आपको इस वीडियो में तमाम के तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे। लाइव यहाँ पर मैं करके दिखाऊँगा, आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुंचता रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ये जो सवालों के जवाब देने, उनके तमाम के तमाम आंसर जो हैं वो आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका यहाँ पे ये जो कोइन मार्केट कैप है, इस पर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है, जो कि इसके कोइन मार्केट कैप के ड्रॉप्स और कोइन मार्केट कैप पर किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, इसके मतलब तमाम डिटेल के साथ एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो कि आप दोस्तों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप वॉच करना चाहें तो जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको सिंपल सा मैं गाइड कर देता हूँ कि जैसे ही आप नीचे सेक्शन में आएंगे वहां पे आपको लिंक मिलेगा इस तरह से हमारे ब्लॉगर का। यहां पे आप आएंगे तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपको कोइन मार्केट कैप का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। इस पर आपने यहां पे आके नीचे जो ब्लू कलर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने इस तरह से कोइन मार्केट कैप का मेन डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइनअप का। साइनअप का ये ऑप्शन जो है, ये देखें, ये इस तरह से आप दोस्तों के सामने आ जाएगा। सिंपल आपने सबसे पहले यहाँ पे आके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल आईडी मिल जाएगी, आपने यहाँ पे ये क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन जो है वो कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आप दोस्तों को मिल जाएगा आपका क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ पे आके आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मेल बॉक्स में एक मेल जाएगी, वहाँ से आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप दोस्तों के सामने आपके अकाउंट का मेन डैशबोर्ड जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी आके क्लिक कर सकते हैं। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला अर्न टोकन, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रोडक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप जो सिंपल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ तब भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट चला जाऊँगा, और अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये आपको लर्न एंड अर्न का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने एक न्यू टैब जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, न्यू डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने देख लें, यहाँ पे ये पहले SXP का भी यहाँ पे चल रहा था, इसके अलावा ROSE का भी यहाँ पे चला है, इसके अलावा NEAR का भी यहाँ पे चला है, और यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे ये Web3 एक प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पे चल रहा है। तो सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने UnBNB चैन जो है इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इसका न्यू डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये इन्होंने तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई हुई कि आप यहाँ से आके इसको वॉच करें, वॉच करने के बाद ये तमाम रीड करें और यहाँ पे इसके आंसर के क्वेश्चन के आंसर जो है वो दें, यानी सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पे आप सेंड कर सकें आसानी के साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, आने के बाद यहाँ पे टेक अ क्विज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये तमाम चीज़ें इसके मतलब जो है वो मिलती जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, टोकन शॉर्ट क्विज टू अर्न टोकन। यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप दोस्तों के सामने ये स्टार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आके आपने क्लिक करना है। ये जो आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप दोस्तों के सामने एक कैप्चा आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना कैप्चा जो है वो कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों का यहाँ पे कैप्चा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले वाला जो है कोइन मार्केट कैप हाउ टू Web3 BNB चैन लर्न एंड क्विज़, तो आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आई एग्री विद द कोइन मार्केट कैप अंड टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना ये पहले वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लीज़ करंटली रीड टू FAQ पेज बिफोर स्टार्टिंग क्विज, यानी ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे ये तमाम इसके FAQs वगैरह रीड कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपने कोइन मार्केट कैप की ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड करें। अब जैसे ही आपने यहाँ पे अपना कोइन मार्केट कैप पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया होगा, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस आपने ऐड किया था ना, वो वाला ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे आके आपने ऐड करना है। करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो हमारे सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पेज आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी बिनांस एक्सचेंज की यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे ऐड करें, यानी आपने यहाँ पे आके अपनी बिनांस एक्सचेंज की यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे आके ऐड करनी है, इस वाले जगह पे आके आपने ऐड करनी है। यहाँ पे आपने सिंपल करना ये कि आपको डिस्क्रिप्शन में जैसी लिंक जो मिला था उसी पर आपने क्लिक करना है दोबारा। यहाँ पर आपको बिनांस एक्सचेंज की जो ये लिंक है इस पर आपने आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने बिनांस एक्सचेंज का मेन डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप दोस्तों के सामने तीन ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे आप इसका ऐप भी डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आईफोन है तो उससे भी यहाँ पे आप ऐप जो है वो डाउनलोड करके उसको भी यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे भी आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है गूगल यानी ईमेल से भी अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है, उसके बाद अपनी केवाईसी जो है वो लाजमी कम्प्लीट कर लेनी है। केवाईसी कम्प्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर मैं आपको मोबाइल पर दिखा दूँ, यानी अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल पर जैसे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ये वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये मैन आईकॉन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे वेब यानी गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर वगैरह में इसको ओपन कर रहे हैं तो सिंपल आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इस तरह से इसका डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको मेन आइकॉन नजर आ रहा है यहाँ पे आके आने के बाद आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको आपकी यू आई डी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी यू आई डी जो है वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद इसको नेक्स्ट करूंगा तो हमारे पास नेक्स्ट वाला पेज जो है वो इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वाला पेज जो है वो आ चुका है। यहाँ पे ये कह रहा है क्लियर सी ब्रिज इस प्रोटोकॉल दैट, यानी क्वेश्चन टू आंसर जो है शुरू हो चुके हैं। सिक्स पेज जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, यानी छः पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिक्स पेज जैसे ही हम यहाँ पे कंप्लीट जितने जितने पेज हम कंप्लीट करते जाएंगे हमारे सामने यहाँ पे हर नेक्स्ट जैसे ही हम पेज कंप्लीट करेंगे हमारे सामने वो पेज जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोस्तों के सामने ये पहले वाला क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ये वाला है, इसका लास्ट वाला आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप दोस्तों के सामने है द ट्रांसफर फीसेज टू डायरेक्टली टू क्लियर ट्रीम, यहाँ पे ये आप दोस्तों के सामने दूसरे वाला ऑप्शन जो है ये है, आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट वाला इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ओवर 20 है, आपने ओवर 20 पे आके क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा आपका, डायरेक्ट जो जैसे ही आप ओवर 20 पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है ये वाला ऑप्शन जो इसका यहाँ पे नाइन्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है यहाँ पे एवरेज एग्रीसीज कन्वेंसिस होल्डर्स है, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे टेंथ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे है 2 और 3 ये वाला है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला आ जाएगा। 11 क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन जो आ जाएगा यहाँ पे बिनांस एंड पैनकेक एक्सचेंज जो है ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे आपने क्लिक करना है, ये वाला जो लास्ट है यानी 12 जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है वो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है। इस तरह यहाँ पे ये वाला जो 13th है इसके 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है यहाँ पे ये आपने 3 नंबर आके सेलेक्ट कर लेना है, इस पर आके क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 14th नंबर यानी 14 नंबर का ऑल ऑफ द अबव है, सिंपल यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे आके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपके सामने आएगा, यहाँ पे भी आपने ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने लाजमी से याद रखना है कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन के आंसर्स आपने सिंपल तरीक़ेकार है आपने यहाँ पे देते जाना है इसी तरह। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, नेम ऑफ पेयर डाउ सिंपल पैक्स पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो आएगा 18th नंबर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने ये फर्स्ट वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 20 जो है ये देखते हैं, यहाँ पे 20 पे ऑल ऑफ द अबव पे आपने क्लिक करना है, ये लास्ट में ऑल ऑफ द अबव आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद 21 पे जो है आपको यहाँ पे बाय क्रिएटिंग एंड स्पेस जो है इस पर आपने क्लिक कर देना है, आज स्पेस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 22 जो है इस पर एवर्ट यहाँ पे NFT इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले पे आपने क्लिक कर देना है लास्ट, यानी इसका आंसर होगा। यहाँ पे जो है
पूल में 1,00,000 यहाँ पे आपने इस पे आके सेलेक्ट कर लेना है, लाइव पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे जो है आपने गेम ऑफ विद एआर वीआर टेक्नोलॉजी पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 25 जो है इस पे यानी 25 नंबर पे आखिर फर्स्ट वाला होगा, आपने टी एंड गोल पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26 पे आपने ये कॉलोनीज गेम जो है इस पे आके क्लिक कर देना है, ये वाला ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 27 पे आ जाते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन का लास्ट वाला जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद यहाँ पे 28 जो है इस पे आपने यहाँ पे आना है बूथ एंड यहाँ पे इनकरेक्ट, ये इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आपने आना है, ये फर्स्ट वाला जो है फीसिस का ऑप्शन इस पे आके आपने क्लिक करना है, ये जो आप दोस्तों के सामने यस आई कैन प्ले टू फ्री यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 30 पे वाइट लिस्टिंग है, इसका ऑप्शन आप दोस्तों के सामने इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने होल्डर सप्लाई वॉल्यूम ये वाला आपने इस पे क्लिक कर देना है, ये वाला ठीक है, इस पे आपने आके क्लिक कर देना है, ये वाले ऑप्शन पे, सॉरी ये वाले ऑप्शन पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर बुक पे आपने क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे अपना बिनांस स्मार्ट चेन का वॉलेट एड्रेस जो है वो ऐड करना है। अब आप दोस्तों के सामने दो चीज़ें, अगर आप यहाँ पे अपना ट्रस्ट वॉलेट का ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके पास ब्राउज़र में मेटामास्क है तो आप मेटामास्क का एड्रेस बीएनबी का एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा आपने यहाँ पे किसी एक्सचेंज का नहीं बल्कि ट्रस्ट वॉलेट का या फिर आपने यहाँ पर मेटामास्क का एड्रेस जो है बीएनबी स्मार्ट चेन का एड्रेस या अपना बीएनबी स्मार्ट चेन का वॉलेट जो आपने क्रिएट किया होगा वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आपने कोई एड्रेस जो है नहीं पेस्ट करना। सिंपल यहाँ पे अगर आपके एक मोबाइल यूज़र हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे मोबाइल पे आएंगे तो आप दोस्तों को यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन तो मिल जाए, आपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपने इस तरह से जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे उसके बाद आप दोस्तों के सामने इस तरह से बीएनबी का ऑप्शन आ जाएगा, स्मार्ट चेन पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपना एड्रेस जो है वो कॉपी करना है और करने के बाद यहाँ पे आके ऐड कर देना है। और अगर आप यहाँ पे मेटामास्क पे हैं तो आपने मेटामास्क का एड्रेस जो है बीएनबी का एड्रेस जो है यहाँ पे आके ऐड कर देना है, वो यहाँ वहाँ पे चाहे 3MO बीएनबी कोई भी स्मार्ट चेन उसका एड्रेस जो है वो एक ही होता है तो आप वहाँ से एड्रेस जो उठा यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एड्रेस ऐड करने के बाद मेरे सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि हाउ यू हैव यू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट गैलेक्सी एडिशनल टास्क, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने इस तरह से इसका पेज जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने तमाम चीज़ें इसके मुतालिक बताई हुई हैं, यहाँ पे आके आप इसके मुतालिक तमाम चीज़ें जो है वो रीड कर सकते हैं। ए टू जेड तमाम डिटेल इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है तो आप यहाँ से आके इसको रीड करें और यहाँ पे इसकी तमाम की तमाम डिटेल वगैरह अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ई मेल एड्रेस डालने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कम्प्लीट करने के बाद आप यहाँ पर वापस आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन जो है यस आई विल कंप्लीट इट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेज आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि फॉलो बीएनबी चैन ग्रेविटी अकाउंट एंड लीव अ कमेंट ऑफ दी पोस्टिंग, यानी कि आप यहाँ पे जाएं और इनके अकाउंट को आप फॉलो करें और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट जो है वो ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने इनका ट्विटर जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं इनको फॉलो कर लूँगा। करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जो इनकी किसी भी पोस्ट पर एक अच्छा सा कमेंट जो आपने ऐड कर देना है। तो मैंने इसको पहले से ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है तो यहाँ पर आप आएँगे तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल इसको फॉलो कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर इनकी तमाम पोस्टें आप यहाँ पर इनकी कोई भी पोस्ट जो है उस पर आके लाइक और शेयर कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लाइक कर दिया, लाइक करने के बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं विल बी गेट आर स्टार्टेड एपीएस, तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये कमेंट्स इनके काफ़ी लोगों के मिल जाएंगे, आप उनके कमेंट्स भी जो है वो भी यहाँ पे जो है चेक करके यहाँ पे आके ये देखें, ये लोगों ने यहाँ पे तमाम कमेंट्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे आके जो है वो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ वाओ ग्रेट लिख दूँ या यहाँ पे कुछ भी चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाओ एंड ग्रेट या वेरी नाइस, यहाँ पे मैं कुछ भी जो है यहाँ पे लिख देता हूँ।
लेकिन एक बार मैं इसको रिप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये मेरा ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं वापस चला जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं ये वाला ऑप्शन जो है येस आई फॉलोड एंड लिफ्ट आ कमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे कमेंट्स जो है वो छोड़ दिया और इसको फॉलो भी कर लिया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेज जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे सामने ये पेज जो है वो आ चुका है और आने के बाद यहाँ पे तमाम डिटेल जो है मैंने इसको सबमिट जो है वो कर दी है। करने के बाद यहाँ पे देखें अभी जो पेज है वो ओपन होगा। जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे हमारे सामने एक कैप्चा आएगा, उसको हमने कंप्लीट करना है। करने के बाद हमारे तमाम टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखें ये वाला कैप्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो आपके सामने ये कैप्चा आएगा। यहाँ पे आके आपने ये कैप्चा जो है कंप्लीट करना है और सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे तमाम डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगी और आप इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप दोस्तों के साथ, मैंने 2-3 दिन पहले ये एक ड्रॉप जो है यानी यहाँ पर इनका रिवॉर्ड पूल चल रहा था बिनांस एक्सचेंज का, वो यहाँ पर शेयर किया था। आप इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। यहाँ से आप डेली के 2 से 3 बॉक्स जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ जो है यहाँ अर्न कर सकते हैं। सिंपल वर्क है, कोई आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप यहाँ पे इनकी पोस्टिंग वगैरह जस्ट ओपन करेंगे, करने के बाद उसको जो है वो आउट कर देंगे यानी ख़त्म कर देंगे, कट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स जो है मिलते जाएंगे और 40 पॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल सा वर्क है, मैंने यहाँ पर तमाम डिटेल करके बताई है। आप लाजमी से इसको ज्वाइन कीजिएगा। रियल प्रोजेक्ट है बिनांस का अपना। यहाँ पर ये तकरीबन $1,00,000 का यहाँ पर ये कर रहे हैं, यानी $1,000,000 का यहाँ पर ये जो है कर रहे हैं रिवॉर्ड पूल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ भी आप फ्री में मिल सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इसके अलावा ये एक ऐप है, इसको भी लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी कोइन मार्केट कैप में लिस्टेड टोकन है, इस वक्त प्राइस कम है लेकिन किसी वक्त भी इसकी प्राइस जो है वो पंप कर सकती है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा दोनों प्रोजेक्ट्स को। तो उम्मीद है कि आज की तमाम वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ये बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।